हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 34 रुपए का ये शेयर है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 34 रुपए के इस शेयर में क्या यहाँ से तेजी आएगी या गिरावट आएगी, और गिरावट आएगी तो कहाँ तक आएगी, तेजी आएगी तो कहाँ तक आएगी, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 34 रुपए का ये शेयर जरूर है और पिछले एक महीने में देखे तो एक महीने में शेयर लगातार नीचे की तरफ टूटा है। 12% की गिरावट है, 38 रुपीज पर शेयर था, गिरावट आई, 35 से पहुंचा, वापस तेजी दिखा दी इसने और 38 पे वापस पहुंचा। लेकिन उसके बाद एक गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी यहां पर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तेजी जो आई है पिछले 2 दिनों से वो टेम्पररी है, दोबारा आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसके काफी प्रबल चांसेस है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 9% का ही हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, गिरावट आती है, बड़ी रैली आती है, गिरावट आती है, बड़ी रैली आती है, गिरावट आती है, ठीक है, फिर एक बड़ी तेजी आ जाती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ पर श्योर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप ये मान के चलो कि भैया मैं 5 या 10 साल के लिए इस पर निवेश करूंगा। जी नहीं, ये वो शेयर है जहां पर गिरावट पे आप खरीदारी करते हो और प्रॉफिट होने पर यहाँ से आपको एग्जिट ही लेनी है। 3 साल में भी देखेंगे तो भयंकर गिरावट है, 98 रुपए से लगातार टूटा है। तेजी यहाँ पर अभी भी कोई उतनी बड़ी देखने को नहीं मिली है। 3 साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 26 रुपए का है, और वो 26 रुपए का लो अगर हम देखें तो कोरोना काल में बना था। ये तेजी भी आई लेकिन कोई उतनी बड़ी रैली अभी भी देखने को नहीं मिली है, और अभी भी शेयर अपने लो के आसपास ही भटक रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 35,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो वॉल्यूम ट्रेड भैया वाकई में बहुत बड़े हैं इनके, 12 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, 12 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड, काफी लोग यहां पर खरीदारी और बिकवाली में लगे हुए हैं। और देखिए, पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत ही रेप्यूटेड बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ है ये शेयर की पूरी जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल चुकी है। आप देखिए, जब से यहाँ पर कांड हुआ था नीरव मोदी का, तब से शेयर जिस तरीके से टूटा है कि कभी भी बाद में वो रिकवर नहीं कर पाया है। एक और चीज है वो ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो 76.87% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2.94% की होल्डिंग FIIs के पास है, 0.92% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 8.08% की छोटी सी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहां पर ओन करते हैं। देखिए, बड़े फंड हाउसेस के पास उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर, FIIs और म्यूचुअल फंड के पास काफी कम होल्डिंग है, या आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हाइएस्ट पब्लिक शेयर में LIC के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, 7.63% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर LIC ओन करता है। 2015 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में गिरावट आने की संभावना है क्योंकि कोरोना के केस अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख नए केस हो चुके हैं और 2,765 से भी ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप देखने की कोशिश करें तो काफी जगहों पर लॉकडाउन है लगे हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है और 1 हफ्ते का लगा था, लेकिन अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि 1 हफ्ता और ये लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ बाकी के जो स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, इवन कर्नाटक हो गया, वहां पर भी लॉकडाउन इम्पोज होने वाले हैं। वीकेंड कर्फ्यू तो चल ही रहा है, नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको लॉकडाउन भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे में देखिए, लॉकडाउन अगर लगते हैं तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा था पिछली बार तो सबसे ज्यादा बैंकिंग शेयरों के ऊपर असर पड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ा था। इस बार भी अगर लॉकडाउन लगता है तो देखिए, लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर खतरा पहुंचता है, और अगर लोगों की रोजी रोटी पे खतरा पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लोग अपनी नौकरियां गंवाते हैं, लोग अपने बिजनेस गंवाते हैं, और जिन्होंने बैंक से पैसा लेकर बिजनेस शुरू किया होता है, जिन्होंने बैंक से पैसा लिया होता है किसी भी चीज के लिए, वो उस चीज को चुका नहीं पाते, वो उस पैसे को चुका नहीं पाते, और बैंक के लिए NPA जो है वो और ज्यादा कन्वर्ट होता जाता है।
तो ये एक दिक्कत है बैंक के लिए भी कि भैया लोन तो बांटा है लेकिन आने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप इसको कह सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट यहाँ पर आ सकती है। 34 रुपए का शेयर है, और देखिए पिछले एक महीने का ग्राफ देखिए, यहाँ पर तेजी आई थी ठीक है, एक बड़ी गिरावट आई, फिर से थोड़ा सा संभलने की कोशिश करी, फिर गिरावट आई, अभी फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है वापस। ये मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब ये टूटेगा, जरूर टूटेगा ये शेयर, और थोड़ा और नीचे तक धसता हुआ नजर आएगा। पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पर अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 34 रुपए मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखकर। लेकिन अगर ये शेयर आपको 30 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर मौका बनेगा बाइंग का। 30 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिले तो बाइंग का मौका बनता है, वरना उससे महंगा तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। अभी की जो सिनारियो है उसको देखकर डेफिनेटली शेयर में तेजी आएगी, 40 रुपए तक शेयर जरूर जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन जो हाल फिलहाल की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस बैंकिंग शेयर के लिए उतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया, जो 13,000 के रेवेन्यूज थे, 13,000 करोड़ के रेवेन्यूज थे, आज वो 20 से 21 हजार करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, बढ़िया रेवेन्यूज है और ये वाकई में अच्छी बात है। प्रॉफिट पे अगर आप देखिए तो अब तक लॉसेस थे इनको ठीक है, लेकिन अब आप देखिए हर क्वार्टर में 500 करोड़ से भी ज्यादा का इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट है, अच्छे रेवेन्यू है, अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है, और अभी का जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और काफी एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि भैया अभी तक तो इसका पीक भी नहीं आया है, जो पीक है वो अगले महीने आने वाला है, और आपको हर रोज 5 लाख कोरोना के मामले देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए जो हाल फिलहाल की सिचुएशन है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, हालत उतने अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, लोगों की मौत इससे हो रही है, और ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ने वाला है, इसका असर जो है वो बैंकिंग शेयर्स के ऊपर पड़ने वाला है, इवन पूरे स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। हाल फिलहाल में दो ही सेक्टर दौड़ने वाले, तीन तीन सेक्टर एक्चुअल में जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो है फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, ये तीन अच्छा परफॉर्म करेंगे वरना। और लेकिन उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, इंफ्रा की बात करूं, ऑटोमोबाइल्स की बात करूं, तो वहां पर आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक दे अभी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही शेयर है, एटलीस्ट कम से कम 1 साल के लिए। 34 रुपए का शेयर है, 30 रुपए 32 रुपए तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद ऐसी तेजी भी दिखाएगा कि दोबारा 40 रुपए तक भी शेयर पहुंच जाएगा। तो कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, अगेन मैं बेच के निकलने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, खरीदारी करी है तो आप यहाँ पर बने रहिए। हर बार हमने देखा है कि जब भी शेयर नीचे गया है एक बड़ी तेजी दिखाई है, फिर बड़ी तेजी के बाद नीचे गया है, फिर बड़ी तेजी दिखाई है। 34 रुपए का शेयर है, मार्केट में थोड़ा सा पैनिक रहेगा, पेन रहेगा, नीचे अगर आता है तो 30 रुपए 32 रुपए के लेवल पर बाइंग का मौका यहाँ पर बनेगा, और वहां पर अगर आप खरीदारी करके चलोगे तो डेफिनेटली दोबारा लॉन्ग टर्म में आपको 40 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल खरीदारी करी है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो 30 रुपए का जो लेवल है वो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा सही लगता है मुझे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।